हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीएचयू अर्थात सीएचएस 2024 एडमिशन के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो उसी का नाम सीएचएस अर्थात जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल 2024 के लिए एडमिशन होने हैं, जिसके लिए विज्ञप्ति 20 फरवरी से 20 मार्च तक रहेगी। यानी 20 अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहते हैं तो आप फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 29/4/2024 को होगा, क्लास 9th के लिए मैं बता रहा हूँ फिलहाल अभी। तो जो सीएचएस आपका स्कूल है, इसमें आपको सभी को पता है 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें बॉयज की 100 सीट्स रहेगी और गर्ल्स की 6 सीट्स है। गर्ल्स के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ है। हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 20, मैथमेटिक्स के 20 और सोशल साइंस के भी, साइंस के 20 प्रश्न और सोशल साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सभी के लिए जो बच्चे क्लास 8th में इस समय पढ़ रहे हैं यानी एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, उनके लिए उम्र की जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों याद रखना है, 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज मैं गणित का कोर्स लेकर के आया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो है पूछे जाते हैं उनको आप लोग देख लीजिए, और इन पर मैं फ्री में आपको तैयारी कराने वाला हूं। और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ समझाई जाएगी। और इसके अलावा भी जो भी आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर साइंस या सोशल साइंस, या फिर आपकी हिंदी हो, इंग्लिश, इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। इसको आप ढंग से क्लास 6 to 8 तक की एनसीईआरटी देख लीजिएगा। इसके बाद आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मूल और आपको देख लेना है। अगला आपका क्यूब एंड रूट, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे से हिंदी मीडियम में अपना कन्वर्ट करके देख सकते हैं। परसेंटेज सभी जानते हैं, प्रतिशत की बात करी जा रही है। कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज, इससे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। टाइम एंड वर्क, देखिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन इस पर भी आपको प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि एडमिशन काफ़ी टफ होता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। हम आपको 1 by 1 एक एक चैप्टर कराएंगे, जिसमें आपको ढेर सारे प्रश्न, ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए होंगे, वो भी मैं सब आपको आगे हल कराऊंगा। उसके बाद बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इससे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ से भी। ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो पूरी ज्योमेट्री आपकी रहेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी पूरी रहेगी जो भी क्लास 8 तक है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी आपको पेपर्स में मिलेंगे। स्टैटिक्स भी आएगी और प्रोबेबिलिटी के भी एक आधा प्रश्न होगा। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे और चैप्टर यही रहने वाले हैं। इनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफी टफ आते हैं। तो कैसे प्रश्न आएंगे, मैं आपको 2023 के सारे प्रश्न 1 by 1 कराऊंगा और ये भी बताऊंगा इन प्रश्नों को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप परंपरागत तरीके से इन सबको हल करेंगे तो आप कंपटीशन कभी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि 100 प्रश्न है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और साइंस के तो प्रश्न आप कर सकते हैं सोशल, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रश्न करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। और कोई कोई प्रश्न ऐसे हैं अगर आप परंपरागत तरीके से करेंगे तो उनमें आपको 5 से 10 मिनट का भी टाइम लग सकता है। तो यही सब चीज़ें सीखनी है कि आप कैसे उन्हें हल कर सकते हैं। तो मैं दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा। मैं आप लोगों का रिस्पांस देखता हूं, आपका रिस्पांस जैसा मिलेगा क्लास उसी तरीके से पर डे आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।